नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज हमारा टॉपिक है जो कि LL और ड्राइविंग लाइसेंस कितने दिन में हमारे घर पे आ जाता है या कितने दिनों में जो कि RTO द्वारा इशू कर दिया जाता है। और आज मैं जो आपको समय बताऊंगा वो RTO द्वारा ही निर्धारित किया गया समय है और RTO ने स्वयं बताया है कि इतना समय है जो कि इस काम को होने में लगता है। तो वही डिटेल मैं आपको आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लर्निंग लाइसेंस की। और लर्निंग लाइसेंस जो कि है जो कि कुछ समय के लिए ही होता है, आप सभी को पता होगा, लगभग 6 मंथ की है जो कि ड्यूरेशन होती है, यानी कि 6 महीने की इसकी वैलिडिटी होती है और 6 महीने बाद ये एक्सपायर हो जाता है। तो दोस्तों, जब भी आप लर्निंग लाइसेंस के लिए यानी कि LL के लिए अप्लाई करते हैं, तो जैसे ही आप अप्लाई करते हैं तो आपको पता होगा इसमें है जो कि ऑनलाइन हमें जो कि टेस्ट देना होता है, एक ऑनलाइन टेस्ट। तो वो टेस्ट जब आप दे देते हैं और पास हो जाते हैं, LL है जो कि इसको इशू होने में लगभग 3 दिन का है जो कि मिनिमम समय लगता है, मिनिमम समय है जो कि 3 दिन का लग जाता है इसे बनने में। और ये इसका मिनिमम डेज है, और मैक्सिमम की बात करें तो वो होता है लगभग 7 डेज, यानी कि 7 दिन। तो इसके भीतर ही है जो कि अगर आपने टेस्ट में सही सब कुछ करा है तो इसके भीतर है जो कि आपका LL अप्रूव हो जाता है और आपका प्रिंटिंग में भी आ जाता है। और लर्निंग लाइसेंस है जो कि अगर आप ऑनलाइन बनवाते हैं तो वो आपको जो कि प्रिंट करवाना होता है, और उसे आप प्रिंट कराना चाहो तो प्रिंट करा सकते हो या फ़ोन में रखना चाहो तो फ़ोन में भी रख सकते हो। लर्निंग लाइसेंस का किसी भी तरीके का कार्ड बन के नहीं आता है, बस ये आपको फोटोकॉपी के तौर पे मिलती है। आप चाहे कलर में निकलवा लो चाहे ब्लैक एंड वाइट में निकलवा लो, वो आपकी मर्जी होती है। और LL के बाद है जो कि अब बात करते हैं हम DL की, यानी कि DL यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस होता है जो कि आपका परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस होता है। तो इसको इशू होने में जो कि कितना समय लग जाता है और कितने दिन में ये घर पे आ जाता है। तो ड्राइविंग LL के बाद जैसे कि आपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करा, तो उसके लिए जो कि आपको टेस्ट देने के लिए जो कि RTO में जाना होता है, यानी कि अथॉरिटी में जाएंगे आप टेस्ट देने के लिए। तो जब आप अथॉरिटी में टेस्ट देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आप टेस्ट दे देते हैं मान के चलिए, और टेस्ट में जो कि आप पास हो चुके हैं। तो टेस्ट पास होने के बाद है जो कि आपका लर्निंग मतलब ड्राइविंग लाइसेंस जो अपना DL नंबर होता है, DL नंबर इशू होने में लगभग मिनिमम है जो कि 1 दिन लगता है अगर आपने सब कुछ सही से पास करा है, मिनिमम 1 डेज लगता है, और मैक्सिमम है जो कि 15 दिन लगता है, यानी कि जो मिनिमम डेज होता है 1 दिन में भी हो जाता है और ना होने को 15 दिन लग जाते हैं। इतने दिन में जो कि आपका DL नंबर आ जाता है जो कि आपके मोबाइल नंबर पर आता है। आप सभी को पता होगा जिसने भी मोबाइल नंबर होते हैं उसे लिंक करवाना ज़रूरी होता है अपने ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन के समय। अभी भी आप LL बनवाएंगे तो उसका SMS भी आपको है जो कि मोबाइल पे आ जाता है, और DL बनवाएंगे तो DL नंबर भी आपका SMS पे आ जाता है। तो जैसे कि आपका अप्रूव हो गया, DL नंबर आपके मोबाइल नंबर पे आ गया, तो DL नंबर से है जो कि आप चाहो तो ऑनलाइन है जो कि अपना ड्राइविंग लाइसेंस निकाल सकते हो, जो कि आप निकाल सकते हो अपना एम परिवहन पे जाके निकाल सकते हो, या फिर डिजी लॉकर आपको पता ही होगा उस पर आप चाहो तो DL नंबर से जो कि अपना ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। पर ड्राइविंग लाइसेंस आता है परमानेंट कार्ड की फॉर्म में, PVC कार्ड। तो इस PVC कार्ड को आने में है जो कि मिनिमम डेज जो लगते हैं वो लगभग 4 दिन लगते हैं, जो मिनिमम डेज होते हैं इसके द्वारा वो 4 दिन होते हैं, और मैक्सिमम जो होते हैं वो 30 डेज यानी कि 30 दिन होते हैं, जो कि आपका PVC कार्ड फॉर्म में आता है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ऐसा कार्ड आने में है जो कि लगभग 30 दिन का समय लग जाता है और मिनिमम 4 दिन के अंदर आपके घर पे आ जाता है। अब बात होती है जैसे कि PVC कार्ड कई लोगों का नहीं आता, तो आपको बता दूं जो अपना PVC कार्ड होता है वो है जो कि वाया मतलब आता है, ये जो कि आपके घर पे वो आता है पोस्ट के माध्यम से आता है, यानी कि पोस्ट ऑफिस द्वारा आता है। तो आपके एरिया में मतलब आपका एड्रेस प्रॉपर होना चाहिए आपके DL में, जब ही है जो कि आपके वो घर तक पहुँच पाएगा, क्योंकि पोस्टमैन को प्रॉपर डिटेल होती है, वो जब ही डिलीवरी करने जाते हैं वरना वो छोड़ देते हैं। तो अगर आपका DL आपके घर तक नहीं आता है तो रिटर्न वापस से जो कि RTO में पहुंच जाता है जहां से भी वो डिस्पैच होता है, तो इस कारणवश से जो कि आपका DL देरी से आता है और आपके पास नहीं पहुंच पाता है। तो ध्यान रखें जब भी आप DL के लिए जो कि अप्लाई करें तो एक तो अपना मोबाइल नंबर बिल्कुल सही दर्ज करवाएं जो भी आपका मोबाइल नंबर है, और एड्रेस भी एकदम सही होना चाहिए, और उसमें आपका फादर्स नेम वगैरह जरूर से जरूर लिखा होना चाहिए। आपको पता ही होगा पोस्ट ऑफिस में जो कि पोस्टमैन आता है तो आपको उतना जानता ना जानता हो, आपके पिताजी बहुत समय से रह रहे होंगे उस एड्रेस पे तो उनको सब लोग जानते होंगे, तो वो इजीली है जो कि आपके घर पे आके आपका DL पहुंचा देगा। आज की इस वीडियो में मैंने आपको पूरी बता दी है कि किस चीज़ को इशू होने में कितना समय लग जाता है और किस कारणवश से जो कि DL नहीं आ पाता है,
और क्या चीज़ आपको करना है जिससे कि आपका डीएल आपके करेक्ट एड्रेस पे पहुंच जाए। तो मैं आशा करता हूं आपको आज की इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो जानकारी मिल गई होगी कि आपने क्या गलती करी है या फिर क्या गलती आपको फ्यूचर में नहीं करनी है अपना डीएल बनवाते समय। तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो या कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली हो इस वीडियो से, तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और डीएल से रिलेटेड हमने काफ़ी सारी वीडियोज़ है जो कि पहले से ही बना के अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है, तो आप चाहो तो वो भी वीडियो जाके देख सकते हो। और आज की वीडियो में इतनी जानकारी थी, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।